हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईएसपीसीएस होम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेंस का जो है वो डेट बढ़ चुका है अभी, ऑप्शनल का खास करके। तो उसको लेकर, ऑप्शनल को लेकर जो है, ऑप्शनल का पैटर्न में भी चेंज कर दिया है बीपीएससी ने। तो ऑप्शनल को लेकर जो है से मैंने ये स्ट्रेटजी और जो कुछ किस क्वेश्चन जो लास्ट टाइम पे है, इस सारे क्वेश्चन को आप जो है पढ़ के ही जाइएगा। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी का जो है ऑप्शनल मैं लेकर आया हूँ कि उसके बारे में कंप्लीट स्ट्रेटजी आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से आप क्वेश्चन लिखेंगे और पहले क्या सिलेबस था और आप कैसे लिखना है आपको एग्जामिनेशन में, जिससे आप मैक्सिमम मार्क्स हासिल कर सके। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा और जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों इसलिए भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर आगे भी आप तैयारी करना चाहते हैं तो मैं इस प्लेटफॉर्म पे कंप्लीट जो है 68वीं बीपीएससी की भी तैयारी कंप्लीट करवा रहा हूँ, और वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सारे मटेरियल्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम का लिंक जो है मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। और बाकी ये जो है से आप ऑप्शनल की तैयारी जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, यहाँ से आप इस चीज़ को पूरा देख कर जाइएगा ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके और एग्जामिनेशन में आप मैक्सिमम मार्क्स कर सके। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें जो है से हिस्ट्री का जो है सबसे पहले हम देखेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं ये जो है से फॉर्मेट जो है क्या किया गया है। तो पहले तो फॉर्मेट हम लोग जानते थे कि पहले जो फॉर्मेट था वो 6-12 क्वेश्चन आता था। तो 6-6 क्वेश्चन जिसमें से आपको 6 क्वेश्चन लिखने होते थे 50-50 नंबर के। तो अब जो है से वो फॉर्मेट चेंज हो गया है। तो फॉर्मेट चेंज हो गया है तो आपको जो है यहाँ पे आप फॉर्मेट देख सकते हैं कि मैंने फॉर्मेट डाला है ताकि अच्छे से आप लोगों को मैं बता सकूं इसमें। तो यहाँ पे जो है से पहला क्वेश्चन जो है आप देख सकते हैं कि जो कंपलसरी है, अनिवार्य है कि आपको पहला क्वेश्चन लिखना ही है, और जो पहला क्वेश्चन है वो 50 नंबर का होगा। 50 नंबर का क्वेश्चन पहले भी होता था लेकिन उसमें ऑप्शन आपको होता था वो भी। तो इसमें जो है से 50 नंबर का क्वेश्चन होगा, और ये जो है से आपको हो सकता है शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, मतलब कि 150 वर्ड्स में लिखना होगा। 150 वर्ड्स ही समझ लीजिए, ताकि अगर 4 क्वेश्चन पूछेगा तो 12.5 नंबर का पूछेगा, 5 क्वेश्चन पूछता है तो 5 नंबर 10 नंबर का क्वेश्चन ये पूछेगा। तो आपको जो है इसमें से 4 या 5 क्वेश्चन एक क्वेश्चन में लिखना होगा, तो जिसके 150 वर्ड्स आप मान के चलिए कितना में आपको ये लिखना होगा। और बाकी जो है सेकेंड थर्ड जो है सेम टू सेम है 50 नंबर का। तो इसमें भी आपको ऑप्शन जो है दिया होगा और करके, या तो ये या तो ये, तो दोनों में से एक लिखना है। ये नहीं कि आपको 6 क्वेश्चन दिया हुआ और 6 में से 3 लिखना है, आपको जो है ये दिया होगा इसी दोनों में से भी एक लिखना है आपको, और तीसरा में भी यही है। उसके बाद जो सेकंड सेक्शन है तो उसमें जो 4th नंबर का क्वेश्चन है वो भी कंपलसरी है, और वो भी 1st नंबर की तरह ही आपको जो है कंप्लीट लिखना है। वो 4 या 5 क्वेश्चन आएंगे तो उसको भी। तो हम सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर कि हिस्ट्री के संदर्भ में जो सिलेबस है, तो सिलेबस आप लोगों को तो पता ही होगा वैसे वैसे मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आप सिलेबस देख सकते हैं कि सिलेबस क्या क्या है हिस्ट्री में। तो हिस्ट्री में जो सिलेबस है, जैसे कि यहाँ पे सिंधु सभ्यता है, वैदिक युग है, मौर्य काल से पूर्व है, मौर्य साम्राज्य है, मौर्य काल के बाद 200 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व, उसके बाद गुप्त काल है, गुप्त काल के पश्चात, गुप्त काल के पोस्ट गुप्ता 500 to 700, उसके बाद विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा और ज्ञान का सामान्य पुनरीक्षण। तो ये जो है से आपको जो है से पार्ट ए में, मतलब सेक्शन 1 में पार्ट ए जो होता है भाग ख, उसमें भाग क में जो है ये सारे क्वेश्चंस, ये सारे सिलेबस हैं। उसके बाद आप भाग ख को देखेंगे तो मध्ययुगीन भारत 750 से 1200 तक है, तो उसमें भी वही है आपको, मोहम्मद गजनवी वगैरह का है, व्यापार और वाणिज्य, शंकराचार्य, कला धर्म। उसके बाद नेक्स्ट हो जाता है कि भारत जो है 1200 से 1765 तक, मतलब कि समझ लीजिए जब प्लासी के बक्सर के युद्ध तक। तो वहाँ जो है आपको जो है यहाँ पे आप सिलेबस देख सकते हैं, खुद से पढ़ लीजिएगा, लंबा है वीडियो, लंबा हो जाएगा अगर मैं पूरा सिलेबस पढ़ने लगूंगा तो आप लोग सिलेबस पढ़ सकते हैं यहाँ पर कि क्या क्या सिलेबस है, पढ़ भी लिया होगा आप लोगों को पता ही होगा। तो ये सारे सिलेबस इसमें है। उसके बाद सेक्शन 2 जो आ जाता है उसमें आधुनिक भारत है 1757 से 1947 तक। आधुनिक भारत में जो है सारे जो है आधुनिक भारत में जो भी घटना घटा उसके बारे में इसमें आप जानकारी है। उसके बाद विश्व इतिहास, विश्व इतिहास से भी जो भी क्वेश्चन बनता है 1500 से 1950, मतलब 1500 से ऑटोमन एम्पायर करीब से लेकर और 1950 तक जो है भारत की आज़ादी तक जो है जो भी क्वेश्चन बनता है वो सारे आप विश्व इतिहास से देख सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले कि
कि हम जो गेस क्वेश्चन जो है इतिहास में क्या क्या करके जाएं, एकदम कंपलसरी कल करके ही जाना है, क्योंकि आप जो है आपको क्वेश्चन ज्यादा लिखना है, पूरा सिलेबस कवर करना है। पहले कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन आप कर लेते थे तो आपका बहुत सारा क्वेश्चन हो जाता था, लेकिन इस बार ऐसा आप कीजिएगा तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में जो है परेशानी उठानी पड़ सकती है और आपके क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो आप जो है कम से कम ये क्वेश्चन तो आप एकदम इतने क्वेश्चन को तो आप कंथस्ट करके ही जाइएगा कि इससे अगर कोई सवाल आता है तो ये आपका नहीं छूटना चाहिए, ये सारे क्वेश्चंस। और मुझे उम्मीद है कि इन सारे क्वेश्चनों में से आपका लगभग क्वेश्चन जो है आपको आपको एग्जामिनेशन में जरूर आएगा, और आपकी एग्जामिनेशन अच्छा जाएगा आपका, और आपका जो है एग्जामिनेशन अच्छा भी जाएगा और निकलेगा भी मेंस। तो आप जो है ये सारे क्वेश्चन करते जाएंगे। जैसे हिस्ट्री में जो है मैंने पहला क्वेश्चन जो है वो डाला है कि सिंधु घाटी सभ्यता का उद्गम और विकास। तो सिंधु सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो है कैरेक्टरिस्टिक, उसके फीचर्स के बारे में पहले पूछ भी चुका है, तो इसलिए इस बार जो बहुत चांसेस हैं कि उसमें कैसे उसका जो उद्गम हुआ और कैसे उसका विकास हुआ और फिर उसका पतन कैसे हुआ, ये चीजें उस सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आप जरूर पढ़ के जाइएगा, उसका उद्गम विकास और उसकी जो है ये क्या नाम है पतन। उसके बाद वैदिक सभ्यता में जो है, तो वैदिक सभ्यता में जो दूसरा क्वेश्चन जो है वैदिक सभ्यता से आपको ये सब क्वेश्चन जो है आपको 150 नंबर वाले में भी आ सकता है। अब 150 नंबर वाले में ज्यादा चांस है कि वो आ सकता है सिंधु घाटी के उद्गम और विकास पर। वैदिक सभ्यता वाला जो क्वेश्चन है ये 50 नंबर का आपका आ सकता है कि सिंधु घाटी और वैदिक सभ्यता में समानताएं और असमानताएं जो है आपको बताने के लिए आ सकता है, कि इन दोनों में क्या क्या समानताएं और असमानताएं विस्तार से लिखने के लिए आपको आ सकता है। उसके बाद जो है से धार्मिक आंदोलन जो हुआ जैसे बुद्धिज्म और जैनिज्म, तो इस पे भी जो है आपको 150 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि क्या प्रभाव किया उन्होंने और क्यों जो है धार्मिक आंदोलन करना पड़ा। तो जो है से बुद्धिज्म और जैनिज्म पे आपको 150 नंबर का जो है क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद भक्ति मूवमेंट और शंकराचार्य, तो भक्ति मूवमेंट और शंकराचार्य से भी आप जो है एक क्वेश्चन जरूर कर लेंगे, क्योंकि शंकराचार्य अभी जो है कुछ नरेंद्र मोदी जी ने भी बहुत सारे जो है से भक्ति सेंट का जो है मूर्ति का अनावरण किया है, जिसकी वजह से जो कुछ न्यूज में है, तो आप इसको देख लेंगे। उसके बाद जो है से चोल साम्राज्य, चोल भी न्यूज में था कुछ दिन पहले, चोल और ऐसे भी जो है साउथ है कि जो ये चल रहा है कि साउथ के जो राजा वगैरह थे उसके बारे में ज्यादा हमें इतिहास में नहीं बताया गया, तो उसको लेकर जो है कुछ कंट्रोवर्सी वगैरह भी चल रही है। तो चोल साम्राज्य और उसकी जो है विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, स्थानीय स्वायत्त सरकार जो है विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आप उसके बारे में पढ़ लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो आते हैं हम गुप्त साम्राज्य से, मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि पहले पूछा है लेकिन आपने तैयारी कर लिया है तो उसको भी आप देख लेंगे। मौर्य और गुप्त को अगर आप तैयारी हो चुकी है, नहीं हुई है तो आपने उसको नहीं देखा है तो आप उसको जितना है उतना ही पे छोड़ दीजिए, या तो आप एक क्वेश्चन देख लीजिए गुप्त साम्राज्य का गोल्डन एज वाला, गोल्डन एज क्यों कहा जाता है गुप्त साम्राज्य को। बाकी आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि हर्षवर्धन और उसका काल, तो हर्षवर्धन पुष्यभूति डायनेस्टी जो थी उसके बारे में आप देख लीजिएगा, हर्षवर्धन के और उसके काल के बारे में कैसे कैसे उसके काल में डेवलपमेंट वगैरह हुआ, तो ये देख लीजिएगा। उसके बाद हम आ जाते हैं मध्यकालीन भारत में, तो मध्यकालीन भारत में जो है से जब हम आएंगे तो उससे सबसे पहले आप हम वो कर लीजिएगा कि मध्यकालीन भारत में गजनवी जब भारत पे जो सबसे पहले जो इस्लाम का प्रभाव जो है गजनवी की दृष्टि गजनवी के आने से ही पड़ा, तो अलबेरूनी ने जो किताब लिखी किताबुल हिंद वगैरह, तो उसमें जो है उसने क्या जो है व्याख्या की, उसपे क्या क्या देखा भारत में, उसके बारे में आप कर लेंगे। एक क्वेश्चन जो है वो आने की संभावनाएं हैं, मतलब 150 नंबर में, वो कह रहा हूं मैं 150 नंबर में ज्यादा चांस है वो। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी की नीति, ये अलाउद्दीन खिलजी की नीति जो है और मोहम्मद बिन तुगलक की नीति और फिरोज शाह की धार्मिक नीति और लोक निर्माण, इन सबको मिला के जो है आपको देहली सल्तनत की नीतियां वगैरह मिलाकर जो है 50 नंबर का एक क्वेश्चन, ये तीनों का आप देख लीजिएगा, ये इन तीनों राजा का कम से कम देख लीजिएगा, बाकी का आप छोड़ दीजिएगा, देहली सल्तनत पे जितने थे इन तीनों का देख लीजिएगा और इनके बारे में जान लीजिएगा। तो इस पे इससे जो है आपका क्वेश्चन अगर किसी और का भी आएगा तो बहुत सारे क्वेश्चन इससे आप रिलेट करके सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य के बारे में उसका विस्तार कैसे हुआ और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है जो इसने की हरियरबुक्का, और उसके बाद जो मेन राजा थे इसमें कृष्ण देव राय, तो कृष्ण देव राय के समय में जो है बाबर का जब आक्रमण हुआ तो कृष्ण देव राय की जो है क्या क्या उसके कृष्ण देव राय के साम्राज्य की विजयनगर साम्राज्य की क्या विशेषताएं थी उस वक्त, तो वो बताइएगा, और कैसे कैसे जो है विजयनगर साम्राज्य जो है भारत के जो है डेवलपमेंट में योगदान दिया। उसके बाद मुगल साम्राज्य में जो है अकबर,
अकबर सबसे इम्पोर्टेंट है। अकबर की धार्मिक नीति जो है मुगल साम्राज्य में हम देख लेंगे कि अकबर की जो है धार्मिक और राजनीतिक नीतियाँ क्या थी, तो वो हम अकबर के बारे में देखेंगे। और दूसरा जो है औरंगजेब की धार्मिक नीति, सबको पता है औरंगजेब का धार्मिक नीति क्या था, तो उसके बारे में जो है वो दो क्वेश्चन जो है मुगल से ऐसे चार क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन आप अगर आपने किया है तो आप उसको कर लेंगे अच्छे से, अगर नहीं किया है तो आप ये दो क्वेश्चन कर ही लेंगे, क्योंकि इन दोनों में से एक आपको रहने की बहुत संभावना है। और दो क्वेश्चन जो और है वो है कि जैसे कि एक मुगल का कंस्ट्रक्शन स्थापत्य कला जो है मुगल का, और दूसरा है उसकी जो है पेंटिंग, मुगल पेंटिंग जो है जहांगीर के काल में काफी जो है ये हुआ था, तो वो क्वेश्चन जो है आप देख लेंगे मुगल से। तो अगर आपने उसको किया है तो उसको और अच्छे से देख लेंगे, और नहीं किया है तो आपके पास अब वक्त नहीं है तो आप इतना जो है कम से कम कर लेंगे, ये दो क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट है शिवाजी का उदय, शिवाजी ने कैसे औरंगजेब के साथ युद्ध की वगैरह किया, और जो है उसके बाद मराठा शक्ति का कैसे विस्तार हुआ, मराठा ने कैसे कैसे चुनौतियां दी मुगल को और उसके बाद अंग्रेजों को, इस पे जो है क्वेश्चन मराठा के बारे में आप देखेंगे। उसके बाद जो आते हैं हम सेक्शन टू में, जो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री आ जाता है। मॉडर्न हिस्ट्री में जो है सबसे पहले हम देखेंगे कि अंग्रेजों की आर्थिक नीति, तो आर्थिक नीति जो है धन निष्कासन का सिद्धांत जो है दादा भाई नेहरू जी ने दिया था, तो उसके बारे में आप उसको कीजिएगा कि कैसे कैसे जो है दादा भाई नेहरू जी ने धन निष्कासन का सिद्धांत क्या क्या था, और आर्थिक नीति क्या थी, और जो है से भारत को जो है से मैन्युफैक्चरिंग गुड का जो है मार्केट बना दिया, और यहाँ भारत को जो है से कमर्शियल मार्केट बना दिया, और यहाँ से जो है सारे रॉ मेटेरियल ले जाके वहाँ जो है भारत से ले गया और भारत को बहुत गरीब कर दिया। इस बारे में आप अंग्रेजों की आर्थिक नीति के बारे में देख लेंगे। उसके बाद सामाजिक धार्मिक आंदोलन, सामाजिक धार्मिक आंदोलन में आपको खास करके राजा राम मोहन राय के बारे में जो है आप जरूर देखेंगे, राजा राम मोहन राय के बारे में। और एक और जो है जो सबसे इम्पोर्टेंट अभी के दौर में जो है वो है आपको कि चाइल्ड जो है मैरिज के बारे में, कि अभी जो चल रहा है कि एज ऑफ जो कॉन्सेंट है वो जो है एज ऑफ मैरिज बढ़ाया जाए लड़कियों का, तो उसके बारे में, तो वो जो है उन्होंने जो किया था, क्या नाम है उनका, मैं नाम अभी केशव चंद्र सेन, तो उनके बारे में जो है धार्मिक सामाजिक धार्मिक आंदोलन जो है कि वो आप देख लेंगे ये क्या था। उसके बाद शारदा एक्ट वगैरह, उससे जो है आप रिलेट करके ये क्वेश्चन, दो क्वेश्चन जो है इससे सामाजिक धार्मिक आंदोलन से मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है। उसके बाद ये जो है मुंडा और संथाल विद्रोह, ये दोनों जो है आपको जो है वही 150-150 नंबर वाले, 10-10, 12-12 नंबर में आ सकता है दोनों को लिखने के लिए, ये दोनों जो है आप देख लेंगे मुंडा और संथाल। उसके बाद 1857 का विद्रोह, तो ये फेवरेट 1857 का विद्रोह बिहार से रिलेट करके, और कुंवर सिंह का रोल जो है इसमें आप देख लीजिएगा, तो कुंवर सिंह का रोल कर लीजिएगा, 1857 कर ही लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कर लीजिएगा एक क्वेश्चन, और चंपारण सत्याग्रह दो क्वेश्चन, और किसान सभा और स्वामी सहजानंद सरस्वती, इन तीनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको 50 नंबर का जरूर मिलेगा, तो इन तीनों में से एक क्वेश्चन जो कर ही लीजिएगा, एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही, ये क्वेश्चन आप करके जाइएगा, और ये सब जो है आपको वही 10-10 से 12-12 नंबर वाले में आ सकता है। उसके बाद है से भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो भारत छोड़ो आंदोलन को आप जो है उसको कर लीजिएगा। और उसके बाद जो है से नेहरू और फॉरेन पॉलिसी, तो नेहरू की जो है सबसे इम्पोर्टेंट है जो है फॉरेन पॉलिसी के बारे में आप उसको देख लीजिएगा, क्या क्या उसकी फॉरेन पॉलिसी थी, सोशलिज्म वगैरह से कैसे वो प्रभावित थे, और नन अलाइन मूवमेंट, और जो है पंचशील वगैरह जो है क्या था, तो उसके बारे में आप नेहरू जी के बारे में देख लीजिएगा। उसके बाद गांधी जी और उनके गांधी जी जो है उनके धार्मिक विचार क्या थे, सबसे पहले वो देखिएगा, क्योंकि ये बहुत आजकल चल रहा है कि उन राजनीति में वो धार्मिक क्यों चाहते थे, वो राजनीति को धार्मिक इससे क्यों रिलेट करना चाहते थे, इस बारे में एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रशियन रिवॉल्यूशन, तो रशियन रिवॉल्यूशन जो है से इसमें जो है से आप देखिएगा कि रशियन रिवॉल्यूशन कैसे कैसे हुआ, मतलब कि 1917 में जब रशियन रिवॉल्यूशन हुआ उसके बाद सोवियत संघ बना, तो रशियन रशिया यूक्रेन वॉर के चलते जो है ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, तो रशियन रिवॉल्यूशन पे आप क्वेश्चन कर लेंगे। और उसके बाद यूरोप में पुनर्जागरण, रेनासा इन यूरोप, तो उस पर भी एक क्वेश्चन बनता है, तो ये क्वेश्चन भी आप कर लेंगे। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीन में साम्यवाद का उदय, तो चीन में जो है साम्यवाद का उदय कैसे हुआ, चाइना इंडिया में काफी कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो चाइना इंडिया कॉन्फ्लिक्ट से भी जोड़कर और उसके बाद साम्यवाद का उदय जो है आप उसको देख लेंगे, चीन में साम्यवाद का उदय। उसके बाद जो है प्रथम विश्व युद्ध और पेरिस की संधि, तो प्रथम विश्व युद्ध और पेरिस की संधि के बारे में जो है आप
भी इसको कर लीजिएगा तो आपका जो है से ये हो जाएगा, आपका विश्व युद्ध से लेकर और भारत में उसका क्या सहयोग वगैरह था, तो वो भी प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में जो भारत का क्या सहयोग रहा और भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम से ही आप उसको जोड़ लेंगे तो आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद फ्रांस की क्रांति का प्रभाव, जैसे लिबर्टी, इक्वेलिटी, फ्रेटर्निटी, ये जो है ये मेन चीज है कि उसका क्या प्रभाव पड़ा आगे की दुनिया में और लोगों ने उसे कैसे प्रभावित होकर बाकी जगह जो है क्रांति की दीप जला, तो उसके बारे में फ्रांस की क्रांति इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके बाद अमेरिकन अमेरिका की क्रांति आपको जो है ये भी इम्पोर्टेंट है, मुझे पहले जो है सिविल वॉर पूछ चुका है अमेरिका में, तो मुझे नहीं लगता है कि इस बार भी सिविल वॉर पूछेगा और मुझे लगता है कि अमेरिका की क्रांति जो है इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों ये था आपका जो है हिस्ट्री सेक्शन से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था मैंने आपको करा दिया है कि आप इतना क्वेश्चन जो है हिस्ट्री से करके जाएंगे। और उसके बाद जो है नेक्स्ट लेक्चर में जो है मैं जो ज्योग्राफी का करा दूंगा ताकि जो है से आपका ज्योग्राफी से जो है वो हो जाए कि ज्योग्राफी का भी लेक्चर आपका कंप्लीट हो जाए। तो दोस्तों हिस्ट्री में इतना ही, अब देखेंगे हम ज्योग्राफी सेक्शन में क्या है। तो ज्योग्राफी में जो है से बहुत ज्यादा टॉपिक मैंने नहीं लिया है, कुछ टॉपिक लिया है, तो ज्योग्राफी में आप इसको जो है से इतने क्वेश्चन को आप करके ही जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन से बन जाते हैं लेकिन कुछ खास क्वेश्चन जो है इसको करके जाएगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन जो मैंने लिया है वो कास्ट टोपोग्राफी, कास्ट की भू आकृति जो है उसके बारे में एक क्वेश्चन बनने की संभावनाएं हैं। प्लेट टेक्टोनिक पहली पिछली बार पूछ चुका है तो इस बार भी पूछ सकता है 10 नंबर 12 नंबर में, तो वो प्लेट टेक्टोनिक पे आप कर लिए हैं तो वो भी कर लीजिएगा क्योंकि हो सकता है कि 10 12 नंबर वाले में पूछ ले। कास्ट टोपोग्राफी मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है। उसके बाद डेविस इरोजनल साइकिल अपरदन, डेविस का अपरदन, ऐसे सॉयल इरोजन भी इंपॉर्टेंट है आजकल के इसमें क्लाइमेट चेंज को लेकर जो है सॉयल सॉयल इरोजन वगैरह जो है इंपॉर्टेंट है, तो डेविस इरोजनल साइकिल आप देख लीजिएगा। उसके बाद कोपेन क्लाइमेट, तो कोपेन क्लाइमेट में भी आप देख लीजिएगा, कोपेन क्लाइमेट जो है तीसरा क्वेश्चन कोपेन क्लाइमेट है। उसके बाद विश्व की परिस्थिति का संतुलन, जैसे जो दुनिया में जो है कैसे इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो रहा है उसके बारे में, किस तरह से क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट पड़ रहा है और पूरा इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो रहा है। आपने देखा होगा कि अभी तक जो है ठंड उतनी तेज नहीं पड़ रही है तो इसकी वजह क्या है, तो इसी इसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद सवाना फॉरेस्ट जीबोम जो है उसके बारे में आप कर लीजिएगा। सवाना फॉरेस्ट जीबोम और मानसून फॉरेस्ट जीबोम होता है, तो सवाना फॉरेस्ट जीबोम जो है आप कर लीजिएगा। उसके बाद मानसूनी हवाएं और पश्चिमी विक्षोभ, जो अभी मैंने बताया कि ठंडी नहीं पड़ रही है, पश्चिमी विक्षोभ जो है सर आप बारिश ठंड में अभी नहीं अभी तक नहीं हुई है, तो मानसूनी हवाएं का क्या क्या प्रभाव है, बारिश उस तरह से नहीं हो रही है तो इस बारे में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं हैं। उसके बाद देख लीजिएगा नेक्स्ट है बिहेवियरल रिवोल्यूशन, मतलब कि ज्योग्राफी में बिहेवियरल व्यवहारात्मक क्रांतियां जो है ज्योग्राफी में बिहेवियरल रिवोल्यूशन ज्योग्राफी में जो है उस पर देख लीजिएगा क्वेश्चन, मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं हैं। उसके बाद जनसंख्या का भी रिपोर्ट आया था, वर्ल्ड रिपोर्ट यूएन की रिपोर्ट आई थी जनसंख्या पर, तो जनसंख्या की समस्याएं वगैरह जो है कैसे है और कितना जनसंख्या अगर डेटा वगैरह आप डाल दीजिएगा तो जनसंख्या पे एक क्वेश्चन बनने की संभावनाएं हैं। उसके बाद नगरीय वृद्धि की अर्बनाइजेशन काफी हो रहा है तो जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, माइग्रेशन वगैरह हो रहा है लोगों का, तो जनसंख्या तो अर्बनाइजेशन पे जो है आप इसको एक कर लीजिएगा। उसके बाद सीमा तथा बफर क्षेत्र, जैसे चीन वगैरह से कंफ्लिक्ट हो रहा है हमारा, पाकिस्तान से कंफ्लिक्ट हो रहा है, बीच में जो है बफर स्टेट भी आता है, जैसे चीन से में है तो नेपाल वगैरह बफर स्टेट आता है, भूटान आता है, तो उस पर आप जो है कर लेंगे चीन से कंफ्लिक्ट के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट है ऊर्जा संकट, तो ऊर्जा संकट हमें भी पता है एनर्जी क्राइसिस हो रही है, तो एनर्जी क्राइसिस जैसे सोलर एनर्जी वगैरह का कैसे यूज करें, एनर्जी क्राइसिस क्यों हो रही है और इससे जो है क्या प्रभाव पड़ रहा है ऐसे वातावरण में, तो उस पर जो है क्वेश्चन आपको आने की संभावना है। उसके बाद विश्व व्यापार सिद्धांत, तो WTO के बारे में इसमें मैं कहना चाह रहा हूँ, WTO के व्यापार जो एक दूसरे से कैसे कैसे करें, से किस तरह से जो है से व्यापार जो है से ये घाटे में न जाए लोग व्यापार घाटे में, और हमारी जो देश किस तरह से व्यापार और सिद्धांत जो है व्यापार सिद्धांत मेंटेन रखे। उसके बाद कृषि और उसकी समस्याएं, तो एग्रीकल्चर जो है हम जानते हैं कि भारत और बिहार दोनों जो है एग्रीकल्चरल लैंड है, तो यहाँ जो है एग्रीकल्चर में क्या क्या समस्याएं आ रही है और कैसे हम करें कि एग्रीकल्चर में उस समस्या को दूर करने के लिए कि ज्यादा से ज्यादा जो है हमारा प्रोडक्शन हो और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी यूज इसमें कैसे क्या करें, उसके बारे में। उसके बाद अभ्वा तंत्र, वही क्लाइमेट इसके बारे में, अब मानसून वगैरह से लेके अभ्वा तंत्र पे जो है फ्लड और ड्राउट वगैरह की समस्याएं अभ्वा तंत्र की वजह से जो आती है उस पर देख लीजिएगा। उसके बाद समुद्री संसाधन, समुद्र में जो संसाधन वगैरह मिलते हैं तो उसपे जो है
तो क्या है जिसकी वजह से आप देखिएगा हिंद महासागर क्षेत्र में, इंडो पैसिफिक रीजन में बहुत सारे ये भी होते हैं, एक तरह से ये बना हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन बना हुआ है। तो आप जो है समुद्री संसाधन के बारे में जरूर देख लीजिएगा क्या क्या समुद्री संसाधन पाए जाते हैं, और भारत का जो है कहाँ तक जो है समुद्री विस्तार है उसके बारे में। उसके बाद भारत में खनिज संसाधन, तो भारत में कहाँ कहाँ खनिज वगैरह पाया जाता है और कौन कौन खनिज पाए जाते हैं उसके बारे में जो है जानिएगा कि उस खनिज से क्या क्या उपयोग किया जाता है। उसके बाद भारत में क्षेत्रीय असमानताएं, तो क्षेत्रीय असमानताएं मतलब रीजनल डिस्पैरिटी जो है भारत में क्यों इतना है और उसके उससे क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही है, ये आपको क्वेश्चन। और उसके बाद हिंद महासागर क्षेत्र की राजनीति, तो हिंद महासागर क्षेत्र में जो है इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जो कॉन्फ्लिक्ट है चाइना को लेकर जो है, और बहुत सारा क्वाड वगैरह जो समिट बनाया गया इसी वजह से, तो इस बारे में एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों ये था टोटल क्वेश्चन जो मैंने आपको स्ट्रेटजी, और आप जो है ये चार क्वेश्चन जो है शुरू का जो पहला क्वेश्चन है वो चार क्वेश्चन अच्छे से लिखिएगा आप और एक इम्प्रेशन दीजिएगा, ताकि जो है से बाकी जो एक तो क्वेश्चन भी आपका जो जब पढ़े तो उसे एग्जामिनर को लगे कि हाँ जो चेक कर रहा है कॉपी आपका कि हाँ बच्चे ने अच्छे से लिखा है, तो आपको जो है मैक्सिमम मार्क्स आएगा। तो घबराने की बात नहीं, आराम से लिखिएगा, ठीक है थोड़ा चेंज किया है तो आप उसको कर भी कुछ नहीं सकते हैं, चेंज किया है तो किया है, लेकिन आप लोग हम मुझे उम्मीद है कि अच्छे से करेंगे और अच्छे नंबर लेकर आएंगे, और मुझे जो है आप लोग एग्जामिनेशन के बाद जरूर बताएंगे कि हाँ मेरा एग्जामिनेशन अच्छा गया और यहाँ से जो है क्वेश्चंस आपके आए हैं तो मुझे खुशी होगी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, और अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। थैंक यू।